इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस भयानक हादसे का शिकार हुआ उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वैश्विक तनाव के बीच हुए इस हादसे की कहानी से सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जहां यह हादसा हुआ वहां मौसम की चुनौतियों ने हालात को बद से बदतर जरूर बना दिया। देखिए एक रिपोर्ट। कैसे ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, क्या खराब मौसम बना हादसे की वजह। यह हादसे के पीछे किसी साजिश की कहानी है। तिहत्तर रेस्क्यू टीम, दर्जनों हाईटेक ड्रोन, दो ब्रीड, कई हेलीकॉप्टर, रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट, 2024 का सबसे बड़ा तलाशी अभियान। मिडिल ईस्ट में तनाव की लहर के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया। दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ एक खबर, और वो इब्राहिम रईसी के साथ हुए हादसे की खबर। क्या रईसी के साथ हुआ ये हादसा कोई इत्तेफाक है या फिर इस हादसे के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी छिपी है, इस खबर को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्होंने ऑपरेशन जोल्फा की मुसीबतों को बढ़ा दिया। कोहरे और तूफानी हवाओं के बीच हादसे से जुड़े एक एक सुराग को तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जिस जगह तुर्की के ड्रोन को हीट सिग्नेचर मिले हैं उस जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने के लिए 70 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है ताकि हादसे की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके और ये पता चल सके कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कुल 9 लोगों के साथ जिस हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे उसके क्रैश का सच क्या है। इस हादसे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राजदूत को अपने दफ्तर में बुलाया है और इस हादसे से जुड़े अलग अलग पहलुओं को गहराई से देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, तलाशी अभियान में रूस के 2 विमान, हेलीकॉप्टर और 50 रिलीफ फोर्स भी लगाई गई है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने अपने रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट को भी हादसे की मॉनिटरिंग के लिए एक्टिव कर रखा है। उधर ईरान में पसरे मातम के बीच इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर की है और इस हादसे को ईश्वर का इंसाफ बताया है। ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानती है और यहूदियों को दुनिया से खत्म करने के इरादे खुलेआम जाहिर करती रही है। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के रब्बी मीर अबुदबुल ने एक फेसबुक पोस्ट में इब्राहिम रईसी को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर हादसे में नष्ट कर दिया। ये हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। यही वजह है कि ईरान के साथ हुए इस हादसे को दुनिया महज एक इत्तेफाक नहीं मान रही है।